खुदा कुरान में ये नहीं कहता कि मैं मुसलमान से या क्रिश्चियन से प्यार करता हूँ। खुदा कहता है कुरान में, हर इंसान से माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करता हूँ। हिंदू से एक मुसलमान यानी थे, मान सेरा मान सिंह, हरिपुर हरी सिंह, एबटाबाद एबट साहब, धर्मपुरा लाहौर धर्मपुरा, भगवानपुरा, ये हम लोगों के अदल से जो मुसलमान थे, ये हिंदू से मुसलमान सब एक जगह रहते थे। इंडिया हमारा एशिया है, जैसे बड़े सगीर अफ्रीका है, यूरोप कंट्री है, इस तरह हमारा ये गुआंडी मुल्क है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद। भुट्टो का बेटी और भुट्टो का बेटा जो बुलावल है, सरदारी का नहीं, सरदारी ने इसको भी जहर दे के मारना चाहा। अगर इनकी गुमन 5 साल हो रहा है, खुदा की कसम सस्ता भाई भी बढ़ जाएगी, मेरा ईमान है। आने वाले इलेक्शन में आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी जीतेगी? इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी। खुदा के हुक्म से मेरी दुआ है और हर मुसलमान की दुआ है, गरीब का खास साथी, कपड़ा रोटी कपड़े का मकान का ये वादा और चैलेंज भी था, और इंशाल्लाह ये बिलावल भुट्टो को खुदा तौफीक देगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहीद वहीद हुसैन शाह, पी एम ए काकूर का रहना हूँ। शहीद मंजूर हुसैन शाह कैप्टन टैमक में शहीद हुए हैं, उनका बेटा हूँ सर। और हुकूमत के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में गरीब लोग वहाँ बहुत है और महंगाई बढ़ रही है, इतनी बढ़ रही है कि जिसके नीचे आने का सोच नहीं सकता। ये हमारे शैतान खान साहब जो हैं इतनी बड़ा आ गए हैं कि अभी किसी का बाप भी नीचे नहीं ला सकते। कई कहते हैं जी अब तो शहबाज शरीफ आ गए, मैंने बोला शहबाज शरीफ के बाप के पीछे से खजाना नहीं लगा हुआ है। उन्होंने अपने दौर में भुट्टो का नक्शा शहबाज शरीफ लोगों ने किया है, मगर वो भी नहीं कर सके। मगर दुआ करें कि खुदा की ज़ात हमारे मुसलमानों के लिए वो हुक्मरान भेजे जो हम मुसलमान के लिए खैर खा हो। अल्लाह तो भेजेगा, लेकिन हमारा खुद का भी तो राइट है, हम किसी अच्छे हुक्मरान को नॉमिनेट करके अपने ऊपर मुसल्लत करें ना। हम खुद अगर चोर लुटेरे लेकर आएंगे तो मेरी सुनना चाहते हैं बेनज़ीर और भुट्टो, जिसने शाह फैसल को बोला था कि मेरे मुल्क से पेट्रोल आते हैं अगर मैं चाहूँ तो बंद कर सकता हूँ। शाह फैसल ने बोला ऐसा नहीं करना, उस वक्त तक जनरल जर्नैल था। तो जब ये वापसी आया तो उसने चेक लिख दिया कि उसने बोला तू क्या चाहता है, उसने कहा मेरे पाकिस्तान का हर मुल्क पेरिस से भी अमीर होना चाहिए। उसने बोला भुट्टो ये काम ना करना, वापसी आके जर्नैल को जनरल ज़िया बना दिया। तो वो उसने आके फिर उसी को आके फंसा दिया, संगल मार मार के कहते हैं फांसी हुआ फांसी नहीं हुआ। भुट्टो का बेटी और भुट्टो का बेटा जो बुलावल है, सरदारी का नहीं, सरदारी ने इसको भी जहर दे के मारना चाहा, मुशर्रफ के ऊपर तमोट लगा दी, मगर ये बात भी गलत है। खुदा हज़र नज़र है, वो तो देख रहे हैं। तो दुआ करें हमारे इस मरतबा खुदा और खुदा अभी भी देखें कि कितने लोग अवाम मस्तूर लोग ये इंटरम सपोर्ट जो है बेनज़ीर का नहीं ले रहे हैं। अगर इनकी उम्र 5 साल हो रहा है, खुदा की कसम सस्ता भाई भी बढ़ जाएगी, मेरा ईमान है। और ये मैं नहीं कहता हूँ कि मेरे चाचू हैं ये दूसरे हैं, मगर मैं आपके साथ की बात करता हूँ, ये बचपन से मेरी भी 52 साल उम्र हो गई है। भुट्टो की वज़ीर आज़म की टाइम की मुझे याद है। तो अल्लाह पंचतन पाक करे हमारे ग्रुप पर हुक्मरान ऐसा भेजे जो हमारी आवाम के लिए खैर खा हो। मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उनके बकौल जो है वो इलेक्शन की जो डेट बनती है वो अक्टूबर या नवंबर है। आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन कब होने चाहिए? तो मैं तो कहता हूँ जी अभी हम तो प्रोग्राम डायरेक्टर करेंगे वही जो हुक्मरान इस टाइम उनका फैसला ही होगा। जैसे लाल कमेटी है, अभी सऊदीया सारी ज़िंदगी हमारे से 30 रोज़े रखाता रहा है, 29 आप 30 रखता रहे, इस मरतबा खुदा ने ऐसी चमाट लगाई खुद 29 रखे हमें 30 रखा दिए। जबरदस्त हो गया। मुझे ये बताएं कि आने वाले इलेक्शन में आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी जीतेगी? इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी। खुदा के हुक्म से मेरी दुआ है और हर मुसलमान की दुआ है, गरीब का खास साथी, कपड़ा रोटी कपड़े का मकान का ये वादा और चैलेंज भी था, और इंशाल्लाह ये बिलावल भुट्टो को खुदा तौफीक देगा और खुदा की ज़ात उसे तौफीक देगा, मेरा ईमान कहते हैं वो माँ के ऊपर साबित होगा। आप समझते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्क चला पाएंगे? हाँ वो पाएंगे जी, उसका नाम नहीं जी, वो उसको नहीं मानता, उसने उसको नहीं मानता, उसने हमारे ऊपर पख्तूनों को वोटें लेने के लिए साहब खैबर पख्तूनख्वा हज़ारे में बहन से गोली मार दी। हैदर जमान बाबा को मेरे को भी एक गोली लग गई, हैदर जमान बाबा तो भागे मेरे ही नीचे भर गए, बाद में पठान लोगों ने सीधी गोली मार दी। तो बात यह है कि दुआ करें कि खुदा जो भी आए वो सही आए। मरियम नवाज़ साहिबा कहती हैं मैंने ज़िंदगी में कभी हराम नहीं खाया, आप उनके इस जो स्टेटमेंट है सोशल मीडिया पर वायरल है, इससे एग्री करते हैं कि मरियम साहिबा ने कभी ज़िंदगी में हराम का लुकमा नहीं खाया होगा? सर जी एक बात मैं बोलूँ, आप मेरे को शोई पोटरी नज़र आता हूँ, ठीक है? आप ये कहते हैं मैं दुनिया के इंटरनेशनल दोनों एयरपोर्ट देखा हूँ, मैं वापसी में मरियम नवाज़ शरीफ के साथ आया हूँ, और साथ में बोला, मैंने बोला आपके बाबा ने एक काम गलत किया है। बोलती है क्या? मैंने बोला जो हम मुसलमानों को कृष्णों के साथ मिला दिए, जुमे की छुट्टी करके कृष्णों के साथ मिला दिया, पूरी दुनिया में अगर जी जुमे के दिन नमाज पढ़ के ये करो, उतनी ऐसी इतनी ऐसी आज ही कसम बाखुदा उस दिन आई थी मैं मिल नहीं सका। 75 का नोट है और 10 रुपये का सिक्का है, अपने मुल्क में ही नहीं चल रहा, जबकि भारत की करेंसी 19 ममालिक में जो है वो इस्तेमाल हो रही है, क्या वजह है? भारत आगे बढ़ता जा रहा है और हम जो है वो तंजली की तरफ जा रहे हैं? ये सर जी हुकूमत कर रहे हैं इसराइल, सुपर पावर बना हुआ है अमेरिका, हुकूमत में जैसल में कर रहा है इसराइल, सुपर पावर वो बना हुआ है, वो घुमा के इंडिया पाकिस्तान जैसे, मैं तो कहता हूँ इंडिया हमारा एशिया है,
जैसे बड़े सगीर अफ्रीका है, यूरोप कंट्री है, इस तरह हमारा ये गुआंडी मुल्क है, उनका देखो शर्म शरीक हमारा संज है, उन लोगों का भी संज है। हिंदू सिख मुसलमान यहाँ नहीं थे, मान सेरा मान सिंह, हरिपुर हरि सिंह, एबटाबाद एबट साहब, धर्मपुरा लाहौर धर्मपुरा, भगवानपुरा, ये हम लोगों के अदल से जो मुसलमान थे, ये हिंदू सिख मुसलमान सब एक जगह रहते थे। हम लोगों को दुआ करें कि खुदा नेक हुक्मरान भेजे। आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। क्या समझते हैं कि पड़ोसी मुल्क भारत से ताल्लुकात बेहतर करने की ज़रूरत है? सर जी, अगर देखा जाए ना तो गुआंडी का पहले हक होता है, गुआंडी है या नहीं, आपके पास गुआंडी है तो फिर उनका कल्चर भी हमारा एक है, उन्हें हम दुश्मन बनाया हुआ है। क्यों? कायद आजम बाबा के पास 10 महीने थे, उस 10 महीने में उसके पास बांग्लादेश को एक टांग पे खड़ा कर दिया, तो ये इसराइल यहूदी ने आगे इन लोगों को लड़ा लड़ा करके बांग्लादेश को और इंडिया को लड़ा लड़ा करके पाकिस्तान को लड़ा कर दिया। और ये दुआ करें कि खुदा हमें फाक दे। ऑल इज मुस्लिम दुनिया, जहाँ जहाँ भी है, खुदा कुरान में ये नहीं कहता कि मैं मुसलमान से या क्रिश्चन से प्यार करता हूँ, खुदा कहता है कुरान में हर इंसान से वहाँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बात करके बहुत अच्छा लगा। और महजब शहरी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं।